इससे मंडी में मेरा आलू जाता है तो 200 रुपये क्विंटल और लोगों से ज्यादा बिकता है। वो 2019 में जो आलू छटवाया था तो उस छटाई और मैं पल्लेदारी के मुझे 31 रुपये पड़ रहा था क्विंटल का भाड़ा, दहाड़ी पर नहीं पैकेट का 31 रुपये छटाई। और मैंने जब से ये ग्रेड यूज किया है, साथियों आप देख पाओगे यहाँ पर ये आलू की ग्रेडिंग चल रही है और ग्रेडर लगा हुआ है, ग्रेडर की काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं और हर किसान इतनी क्षमतावान नहीं होता है ये ग्रेडर लगा पाए। और ग्रेडर की आप देखोगे छटाई से साथ साथ में बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी ये छटाई हो पा रही है। और इस ग्रेडर के बारे में और किस किस तरह के साइज निकल रहे हैं इसमें, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अवधेश परमार जी से। तो परमार जी थोड़ा सा हमें ग्रेडर के बारे में आइडिया दीजिए, ग्रेडर आप कब से यूज कर रहे हैं और क्या फ़ायदा है इसका आपके लिए? मैंने 2020 से चालू किया है, इससे फ़ायदे अनेक हैं। हाँ, तो ग्रेडिंग बहुत सुंदर होती है जी, लेबर की भी फ़ायदा होती है और इससे मंडी में मेरा आलू जाता है तो 200 रुपये क्विंटल और लोगों से ज़्यादा बिकता है। ग्रेडिंग से जो साइज निकलता है उसका भाव अच्छा मिल जाता है, अच्छा मिलता है मुझे। और लेबर की भी दिक्कत नहीं है, लेबर इस पे लगती है 50 आदमी तो मेरे को 150 आदमी पर डे की मुनाफा हो रही है। अच्छा। टोटल अगर आलू की बात करें तो आप कितना आलू करते हैं हर वर्ष? 200 एकड़ जमीन मेरे पे इस साल है। 200 एकड़? हाँ जी हाँ, 200 एकड़ में आपने इस वर्ष आलू लगाया हुआ? आलू लगाया पूरे। अच्छा, अभी जो छटाई हो रही है ग्रेडर के माध्यम से तो जरा बताएंगे कौन कौन से साइज हैं, दिखाएंगे जरा एक बार? आप आ जाओ, ये आ गया तुम्हारा राशन। अच्छा, ये राशन में जाएगा ना? जी जी, ये वाला आलू। हाँ, ये राशन में जाता है। अच्छा, अभी इसमें राशन का क्या भाव चल रहा है मंडी में? ये ही बिक रहा है, पैसे लौट के आ रहे हैं 1100 रुपये के। 1100 रुपये के जी, क्विंटल के? हाँ जी हाँ जी। और ये तुम्हारा मंडी साइज है मीडियम, जो आलू मंडी में चलता है। जी जी, आप बुल्ले पा जाओ। हाँ, सीड साइज। अच्छा, ये जो सीड के लिए बीज के लिए रहता है? हाँ जी हाँ जी जी, ये सीड साइज है जी। ये भी तुम्हारा सीड साइज है, उससे छोटा आई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, ये वाला छोटा आलू। ये तुम्हारा हरा आ गया घर के लिए बोने के लिए। अच्छा, तो ये हरा वरा वो तो लेबर को अलग करना पड़ता होगा? हाँ, लेबर अलग कर रही है ना। हाँ हाँ, ये छोटी वाली जीरी आ गई, वो बीज में आती है। अच्छा, तो अगर जैसे ग्रेडर की बात करें तो करीब करीब आपने उस समय जो ग्रेडर लिया था क्या कीमत पड़ी थी इसकी? ये आया था तुम्हारा 10.5 लाख रुपये। 10.5 का? तो जैसे लेबर की और ग्रेडर की तुलना करें तो लेबर में और ग्रेडर में जो खर्चे वाली बात आती है, करीब करीब कितनी बचत हो जाती है ग्रेडर लगाने के बाद लेबर के खर्चे? जो 2019 में जो आलू छटवाया था, हाँ हाँ, तो उस छटाई और मैं पल्लेदारी के मुझे 31 रुपये पड़ रहा था क्विंटल का भाड़ा, दहाड़ी पर नहीं पैकेट का 31 रुपये छटाई। हाँ, और मैंने जब से ये ग्रेडर यूज किया है तो मुझे मिला के जो मैं पल्लेदारी के जो लोडिंग सहित मुझे पड़ रहा है 14 रुपये। 14 रुपये में पैकेट तैयार हो रहा है सिलाक सिल्क, मतलब करीब करीब दूने से भी ज्यादा का अंतर पड़ गया। मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट है और रखवाई नहीं हो, मतलब टेंशन नहीं है किसी भी बात की, इकट्ठा आलू आ जाता है, कोई भी परेशानी नहीं है। लॉट बाई लॉट बड़े बड़े लॉट चले जाते हैं ट्रोले में, कोई दिक्कत नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। अच्छा, एक दिन की बात करें तो आप दिन भर में ग्रेडर कितने टाइम तक यूज करते हो? 9 घंटे यूज करता हूँ मैं और 2200 पैकेट पर डे ये ग्रेडिंग करके दे रहा है। 9 घंटे में 2200 पैकेट आपको दे रहा है निकाल। कहाँ से लिया था आपने ये ग्रेडर? ये मैंने जलंधर से, मोगा जिले से लिया था। जलंधर मोगा से? चंडू वालों से जी। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों को ग्रेडर के पास भी दिखा देता हूँ, चढ़ के ग्रेडर के ऊपर किस तरह से हो रही है उसमें। ये इस तरह से ट्रैक्टर लगा दिया जाता है और ये जो पैकेट्स हैं सीधा आलू इसमें डाल दिया जाता है ये, और ये उसमें इस तरह से एक ट्रे बनी हुई है और इनके माध्यम से ये सारा आलू ऊपर जाता है। और यहाँ पर जो लेबर रहती है उसमें जो हरा या कटा पिटा या फिर जो इस वक्त चेचक की समस्या है उसको यहाँ पर ये लोग अलग करते रहते हैं। ये यहाँ पर जो साइज के हिसाब से जैसे यहाँ पर ये गंदा आलू जब निकल रहा है, हाँ, जो कटा पिटा या बहुत छोटा साइज है वो सारा आप देख पाओगे गंदा आलू है,
इसमें ये पैकेट लगा रखे हैं। ये देखिएगा यार, इसके बाद में ये जो गुल्ला साइज है बारीक वाली, ये जो ये यहाँ पर कट के आ रही है, ये सीड वाला गुल्ला है, ये सीड वाला गुल्ला है यहाँ पर ये, और ये पैकेट लगा दिए गए हैं। अगर इसको चेंज करना होता है तो बस इसको बच्चे को चेंज कर दिया जाता है और ये पैकेट जो कट्टे लगे हुए हैं उनमें आ जाता है। और यहाँ पे ये जो मीडियम मंडी वाला है, और जो सबसे बड़ा साइज है बम्पर वो इधर ही आ रहा है। पैकेट भरने के बाद में इस तरह से ये लाके सीधे सीधे रख दिए जाते हैं, जहाँ पर तुरंत की तुरंत ये लोग सिलाई करके या थोड़ा बहुत जो कम रहता है आलू पैकेट में उसको भरकर ये पैकेट तैयार कर दिए जा रहे हैं। और सीधे यहाँ से उठ के फिर ये सीधे मंडी को या फिर जो कोल्ड भेजना है कोल्ड को सीधे यहाँ से पैकेट आसानी से चले जाते हैं। करीब 2200 पैकेट की जो इस ग्रेडर की क्षमता है, 9 घंटे में करीब करीब 2200 पैकेट ये ग्रेडिंग करके देता है।